अल्कोहल एडिक्शन या शराब की लत, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। अभी इसको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर ऐसा नाम दिया है और एक प्रकार की मेंटल इलनेस है, ये मानसिक बीमारी है। तो अल्कोहल की लत लगना, अल्कोहल का एडिक्शन होना, ये एक बीमारी है और इसको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर करके नाम दिया हुआ है। ये बीमारी कब होती है? देखो, लोग तो सोशल कॉज में शराब पीते रहते हैं। कोई पार्टी है, हफ्ते में एक बार पी लिया, महीने में एक बार पी लिया, कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, उत्सव मना रहे हैं, या सभी लोग साथ में बैठे हैं और सब कुछ तो भी हंसी मजाक चालू है, पार्टी चालू है, पिकनिक पे गए वहाँ कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे त्यौहार रहते हैं कि जिसमें शराब पीना अलाउड है, जैसे होली का है, शराब भांग ये तो नॉर्मल है उसमें, तो ऐसे इसलिए लोग शराब पीते रहते हैं और बाद में धीरे 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 उसके एडिक्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि शराब पीने के बाद में ब्रेन मैकेनिज्म जो है ना, वो इनहिबिशन का मतलब बहुत सारी बातें, एक मैकेनिज्म हमारे ब्रेन में वो इनहिबिट करता है कि भाई करने नहीं देता है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एक्शन मुझे वो ब्रेन का पार्ट करने देता नहीं है। समझो मुझे चिल्लाना है तो वो बोलेगा नहीं नहीं चिल्लाओ मत, अच्छा नहीं दिखेगा। किसको मारना है या किसको गाली देना है तो नहीं 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 गाली देने का नहीं है, अच्छा नहीं दिखेगा। क्या होता है, वो इनहिबिशन वाला पार्ट है वो अल्कोहल निकाल देता है, इनहिबिशन को इनहिबिट करना। अभी क्या हो गया, आदमी हो गया खुला, अब कोई इनहिबिशन नहीं है, और बाद में फिर वो गाली गलौज झगड़ा झंझट बाद में शुरू करता है शराब पीने के बाद में। तो इसमें होता क्या है कि एक तो दोस्तों के साथ में पीना चालू कर देता है, या फिर मालूम है कि शराब पीने से दर्द कम होता है, तो जो मेहनती लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बहुत मेहनत करते, फिर रात को पी लिया और सो गए, दर्द नहीं लगेगा, या फिर दिमाग का दर्द है मतलब डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो कम करने के लिए लोग लेते हैं। क्योंकि अल्कोहल से क्या होता है कि इनहिबिशन को इनहिबिट कर लिया तो बहुत ही रिलैक्स लगता है, मज़ा आता है उसमें। मगर होता क्या है कि ये टेम्पररी है, अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है, वो टेम्पररी है, उसका इफेक्ट निकलने के बाद में फिर वैसे लगता है, तो फिर और आदमी दारू लेता है, फिर कुछ टेम्पररी अच्छा लेंगे, फिर और लेंगे तो चलो जाएंगे, और फिर एडिक्शन हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि 6 व्यक्ति के पीछे, जो सोशल ड्रिंकर 6 लोग हैं उनके पीछे 1 व्यक्ति शराबी बनता है। मतलब कभी कभी लेने वाले जो लोग हैं, ऐसे 6 व्यक्ति निकालो उसमें से 1 व्यक्ति शराबी बन जाएगा। अल्कोहल से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बॉडी को होते हैं, लीवर खराब होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, अपचन हो जाता है, स्लीप प्रॉब्लम्स आते हैं, नींद के प्रॉब्लम आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट को प्रॉब्लम है, लोगों का इनहिबिशन कम हो गया, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और वो इसमें कभी कभी वो सुसाइड भी कर लेता है। बहुत सारे सुसाइड शराब में होते, क्यों? क्योंकि इनहिबिशन कम हो जाता है, सुसाइडल थॉट आते हैं, वो कमिट कर देता है सुसाइड। तो ऐसे इस तरह के अल्कोहल के ये प्रॉब्लम्स हैं। जब हमारे पास में पेशेंट आते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि उसको हॉस्पिटलाइज करो, क्योंकि उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, ये घर में होता नहीं। लोग बोलते हैं हम घर में करेंगे, मगर होता नहीं, डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम उसको 7-8 दिन 10 दिन तक एडमिट करते हैं। कहते हैं शराब की आदत है, लत है, शराब नहीं पिया तो उसको बहुत घबराहट होती है, बेचैन होती है, हाथ थरथरते, पसीना आता है, और पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, अर्ज होती है, उसको रहा नहीं जाता है, तो ऐसे इसमें उसको सुला के रखना पड़ता है। उसको डिहाइड्रेशन भी होता है, पसीना आता है तो उसको IV फ्लूइड्स दो, और कोई प्रॉब्लम्स है उसको, फिट वगैरह आ गई, शराब पिया नहीं तो फिट आती है तो उसके लिए फिर दवा दो, या शराब पिया नहीं तो वो डिलीरियम में जा सकता है, बेहोशी आती है तो उसके लिए दवा दो। ऐसा उसको दवाई देके उसके उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, उसके लिए हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। यूजुअली लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम घर में करेंगे इलाज, आप दवा लिख के दो। अरे भाई दवा इतनी आसान होगी कि दवाई लिख दिया पेशेंट की शराब छूट गई तो फिर तो कोई शराब ही बचता ही नहीं था। हॉस्पिटल का खर्चा पूर्णता नहीं, ऐसा बोलते हैं, मगर हॉस्पिटल का खर्चा आप निकालो, मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल का खर्चा शराब के खर्चे से कभी भी कम है। फिर हम जब लोग बोलते कि नहीं नहीं मैं एडमिट करती नहीं, हम बोलते ठीक है भाई घर में रखो, मगर 15 दिन उसको बाहर मत जाने दो, और मैं दवा देता हूँ, ये दवाई दे दो। तो उसको दवाई देते हैं जिससे उसको नींद आएगी, जिससे उसको भूख लगेगी। क्या होता है कि B1 और B12 ये विटामिन जो है उनकी लेवल बहुत कम हो जाती है शराबी लोगों में, ये दोनों भी देना पड़ता है, स्पेशली थायमिन। तो हम उसके इंजेक्शन देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन देते हैं। फोलिक एसिड कम हो जाता है तो वो भी देते हैं, यूजली बी कॉम्प्लेक्स ही देते हैं, तो ताकि सभी विटामिन उसको मिल जाएंगे। और फिर उसको मेंटेनेंस दवाई दी जाती है। US अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 दवाइयाँ रिकमेंड की हुई है एक बार डिटॉक्सीफाई हो गया तो। एक है डायसल्फिराम, डायसल्फिराम 1 गोली या 2 गोली रोज की देते हैं। उसके ऊपर यदि शराब पिया तो उसको नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, सरदर्द, सीने में दर्द, बहुत ज़्यादा गलन, एंग्जाइटी, घबराहट, उल्टियाँ सुलटियाँ हो जाती है, और वो एवर्शन होता है, और उसके फिर डर के मारे वो पीता नहीं है। तो द स्पर ऑफ द मोमेंट वाले जो है कि जो बोलते कि नहीं हमको पीना नहीं, हम छोड़ने वाले हैं, और बाहर जाने के बाद में पी लेते हैं, तो उनको सुबह 1 गोली शाम को 1 गोली दे दो,
और वो गोली यदि उनको देते हैं तो डेफिनेटली वो पियेंगे नहीं, क्योंकि उनको फिर जो तकलीफ होती है उससे पीते नहीं फिर वो, तो ये कम से कम एक साल देने पड़ती है। फिर दूसरा है नैलट्रोक्सोन, ये टैबलेट में और इंजेक्शन में। ये नैलट्रोक्सोन से होता क्या है कि शराब पीने से उनको जो अच्छा लगता है और जो मज़ा आता है, फील गुड रिस्पॉन्स जो है वो ब्लॉक कर देता है, तो शराब पीने का मज़ा ही नहीं आता, इसलिए फिर वो शराब छोड़ देता है, वो जो पीने की जो तीव्र इच्छा होती है वो बंद कर देता है। और तीसरा जो ड्रग है वो है अकैम्प्रोसेट। तो अकैम्प्रोसेट जो है उसका भी वही काम है कि जो पीने की जो तीव्र इच्छा होती है वो इच्छा वो कम कर देता है। ये तीनों भी दवाई कम से कम साल भर देना जरूरी है, और साल भर आप देते तो डेफिनेटली फ़ायदा हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि यदि लोग बिल्कुल मानते नहीं है, धूमधाम करते हैं, तो हम उनको हमारा रिहैब सेंटर है उसमें एडमिट करते हैं, आशा किरण हॉस्पिटल, जिसमें हम करीब करीब एक महीना भर उनको रखते हैं। तो उनकी मीटिंग वहाँ होती है, उनको साइकोथेरेपी देते हैं, उनको अल्कोहलिक एनोनिमस की जो स्टेप्स है वो सिखाते हैं, प्रार्थना, 12 स्टेप्स, ग्रुप मीटिंग्स, साइकोथेरेपी, ऐसा सब उनको सिखाते हैं पूरा। उनके साथ में बैठक होती है रोज के रोज, उनको भजन कीर्तन, यदि कोई गायक है तो वो गाना गाता है, डांस करते हैं, तो उसमें उनकी एनर्जी चैनलाइज होती है और वो ऐसे लोगों में रहते हैं कि जो लोग सभी लोग मतलब वो ग्रुप के शराब छोड़ना चाहते हैं। एक बार वो 3 हफ्ते महीना भर वो हमारे रिहैब सेंटर में रह गया तो उसकी पीने की जो क्रेविंग है वो निकल जाती है, वो गोली से उसको अच्छा लगता है, उसको ये महसूस होता है कि नहीं बिना पी के भी मैं अच्छा रह सकता हूँ, अभी कोई ज़रूरी नहीं कि वो पीना ही चाहिए करके, क्योंकि होता क्या है कि एक बार एडिक्ट बन गया तो पीने से वह उसका दिन निकलता नहीं, चलता ही नहीं, काम नहीं करता, हाथ नहीं काम करते, कांपते रहते, तो ऐसा होता नहीं, नॉर्मल हो जाता। फिर एक महीना भर्ती करते हैं हम, कभी कभी बहुत ही हार्ड ड्रिंकर है उसको 2 महीने भर्ती रखते हैं। बहुत बार ये लोगों को क्या होता है कि जब सडनली शराब बंद करते तो वो डिलीरियम में चले जाते हैं। डिलीरियम मतलब बेहोशी जैसी अवस्था है कि उसको मालूम ही नहीं अपन कहाँ है, आज का दिन कौन सा है, वार कौन सा है, लोगों को पहचानता नहीं, उसको कान में आवाज आती है, बहकी बहकी बातें करेंगे, और उसको वो विड्रॉल जाता है, तो अल्कोहलिक डिलीरियम ट्रेमेंस बोलते हैं उसको, तो उसके लिए भी अलग इलाज करना होगा। उसमें यूजुअली फिट आती है और 100 में से 5 लोग इसमें मर सकते हैं डिलीरियम में, तो उसका इलाज करना होता है। कुछ लोगों को मालूम तो रहता है कि अपन कहाँ है कहाँ नहीं, कॉग्निटिव फंक्शन खराब नहीं, मगर उनको कानों में आवाज़ आती है शराब छोड़ने के बाद में, आ रहा आ रहा, मार रहा मार रहा, पकड़ रहा, उनको कोई दिखते लोग आते हो, तो साइकोटिक होता है, मतलब अल्कोहलिक विड्रॉल साइकोसिस उनको होता है, उसका भी इलाज करना होता है। तो ये सब करने के बाद में भी हम बोलते कि नहीं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाओ और कंटिन्यूस हमारे संपर्क में रहो। हम उनको हिप्नोथेरेपी सिखाते हैं, क्योंकि जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है हिप्नोथेरेपी, और रिलैक्सेशन में विजुअलाइजेशन अफर्मेशन सिखाते हैं ताकि वो शराब से दूर रहे। ये पूरा इलाज करते डेफिनेटली उनका इलाज होगा और वो अच्छा जीवन जी सकेंगे, क्योंकि एक शराबी जो है ना उसके पीछे घर वाले तो परेशान हो जाते हैं और उसके अराउंड उसके कंपनी वाले जहाँ काम करता है वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। एक शराबी यदि है तो उसके आजू बाजू के 20 लोग अफेक्ट रहते हैं। कभी होता क्या है कि लोगों की इच्छा रहती है, घर वाले लोगों की, मगर उसकी इच्छा रहती नहीं है, तो हम उसको उनके मदद से, घर वालों की मदद से डॉक्टर भेज के उसको घर में इंजेक्शन देके, क्योंकि वो तो साइकोसिस है, साइकोटिक हो चुका है, उसकी इच्छा ही नहीं है, वो तो नहीं बोलता है, तो उसको इंजेक्शन देके सुला के एम्बुलेंस में डाल के हम हमारे हॉस्पिटल में लेके आते हैं, उसका इलाज करते हैं। मतलब वो तैयार नहीं है, घर वाले तैयार है और उसको होश नहीं है कि भाई मुझे ठीक करना है या ठीक होना है, तो उसको फिर यहाँ जो केयरटेकर्स है उसके जो पेरेंट्स है मतलब जिनको अधिकार है उसके ऊपर कि जो इलाज कर सकते हैं, ऐसे लोगों की मदद करके उनसे बाकायदा लिख के लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे करके हम उनको डॉक्टर्स उनको लेके आते हैं, इंजेक्शन देके और फिर एडमिट करते हैं। एक बार पहले 3-4 दिन निकल गए आदमी अच्छा हो जाता है। पहले 3 दिन तो परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल वाले भी परेशान और घर के, क्योंकि उसको डिलीरियम ही आ गया, डिलीरियम ट्रेमेंस है, तो ना वो किसको सोने देता है, ना कुछ सोता है, ना पूरा हॉस्पिटल सिर पे लेंगे। तो इलाज हो सकता है और ये इलाज का फ़ायदा आपने करके लेना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बहुत लोगों को भेजो, आप जितने आपके परिचित है, पता नहीं कौन पी रहे और कौन पीने रहे आपको मालूम नहीं रहता है। थैंक यू वेरी मच।